रीजनिंग के क्वेश्चन भी ठीक थे कुल मिला के। आप बताइए भैया कितने क्वेश्चन दे रहे? 65। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निगम कुमार। कोई क्वेश्चन बताइए भैया, कहाँ से तैयारी की थी आपने? तैयारी तो RWS है। RWS जी। कुछ ना आया पढ़ा हुआ तो? कुछ नहीं आया, एक दो क्वेश्चन है कुछ नहीं पढ़ा हुआ। आ तो आया तो वहाँ से, इतनी तैयारी ना कर पाई ना हमने, लंबाई लंबाई नहीं ये बोलो, तैयारी नहीं की, पढ़ा हुआ सारा। आ तो वहाँ से जो RWA ने गागर में सागर कराई है ना, पूरा कंटेंट उससे है। मैथ के भी 17 से 18 क्वेश्चन के ही है पढ़ाए हुए, और हिंदी वगैरह तो सारी है ही है, रीजनिंग वगैरह सब उसी से आ रहा है। एक्यूरेट तैयारी की ना, जिसने तैयारी की है उसका एक्यूरेट आ रहा है। हाँ भैया आप बताइए कितने? हाँ वो मैथ का थोड़ा लेवल कैलकुलेशन अच्छा है बस, और हिंदी का लेवल अच्छा है, लेकिन मैथ में कैलकुलेशन अच्छी है। चैनल कौन सा है भैया? डेली एग्जाम प्रिपरेशन। डेली एग्जाम पर हाँ, मैंने तो कैरियर वाले ऐप से पढ़ा था तो फंसा तो पूरा ऐसे। हाँ GS बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, कोई हाई फाई नहीं है ज़्यादा। आप बताइए भाई कितने? बताओ जी क्या बोलो, 74 और गए हो जी पूरे ठोक के? पूरे 74। हाँ अच्छे से लगा के बिल्कुल अच्छे से गया, और टाइम कम पड़ गया ना, 80 मार था। हाँ में टाइम कम पड़ गया? अरे उनका ही टाइम है, क्या पता किस चीज़ का। वो तो सबको मिल रहा ना, मतलब टाइम मैथ में 20 में से 20 है जी, सबको एक घंटा मिल रहा ना मैथ में 20 में 20 है। रीजनिंग अरे हिंदी तो ऐसी बात लगाए जाओ। हिंदी कितने कर गए? हिंदी एक छोड़ के 19 लगा दिए। और मैथ में? मैथ में 20 और उसमें रीजनिंग में 20 और GS में? GS में 15 मारे, एक गलत अभी देख ली ध्यान से। GS एक गलत है, 14 सही है। 74 सही हो गए बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अलका रहा, पढ़ने की जरूरत ना, तुक्को भी काम पढ़ने की तो जरूरत है। तो हम ना पढ़े डायरेक्ट आए, हम तो ऐसी मार दी हमने तुम्हें निकले। पहले पढ़ रखा होगा ना आपने? पहले का अरे एक दो साल पहले करी तैयारी, तो घर खेत पर आया करना वही वही बस आई गया मैंने वही नहीं भैया जी। भैया करो अपने हिसाब से, आप बता पेपर से बढ़िया पेपर आ रहा भाई। चैनल का नाम तो बताओ तुम अपने। डेली एग्जाम पर बढ़िया पेपर आ रहा, जो पढ़ने वाला है ना लोंडा, जो RWA से पढ़ा है वो ठीक ठाक वाला पेपर कर जाएगा। GS में बिल्कुल कुछ भारी नहीं आ रहा, मैथ है कैलकुलेशन में, जो मैथ है मैथ में जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है ना मजबूत सी भाई वो तो कर देगा। जिसकी मैथ में कैलकुलेशन है इधर कैलकुलेशन पोर्शन ऐसा है जिसमें मैथ में कैलकुलेटर, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लावानी से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, और एक उसका था औसत वाला एक क्वेश्चन था, और तुम्हारे GS में पूछा राष्ट्रपति कौन थी, और एक खेल मंत्री पूछा, एक अर्थशास्त्री पुस्तक पूछी थी तुम्हारे GS में, और एक उससे पूछा था राजस्थान का नृत्य दे रखा था कौन से महीने में हुआ है वो, और हिंदी में मतलब हिंदी का थोड़ा बहुत लेवल है थोड़ा सा, वो भी जो पढ़ा गया उसे हिंदी भी कुछ ना लगने की, और भाई रीजनिंग में ना रहे कुछ भी, सीरीज के थे 4-5 क्वेश्चन, बाकी जो पढ़ा हुआ वो पेल देगा पेपर, ना पढ़ा है बेकार। आपका नाम भैया? मेरा मयंक यादव भाई। मयंक भैया थैंक यू। हाँ कोई नहीं, ओके। और बताइए भैया और कोई है? हाँ भैया आप बताइए, हो गया एग्जाम? ऐसे ही 60-65 क्वेश्चन हुए थे। 60-65 क्वेश्चन। आपने कहाँ से तैयारी की थी? हमने साई एक्सीलेंट से करी थी, चंदौसी से। चंदौसी में रहते हैं जी सर। थैंक यू भाई। आपका